साक्षिमा ब्लॉग चैनल हर्षिताज ब्लॉग। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़ अभी आज हो चुका है सैटरडे, तो आज जल चढ़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा, जो कावड़ लेने गए हैं उनका जल चढ़ेगा आज। तो मैंने प्रीति सा सूट वेयर करा है, अब मैं जाऊँगी मंदिर जल चढ़ाने के लिए, और मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जल चढ़ाने जाऊँगी अभी। और फिर जो मेरा भाई है वो भी गया है, मेरा कज़िन ब्रदर, तो वो भी आएगा, तो उसका तिलक भी करना है। ऐसे मेरा सामान रेडी हो गया है मंदिर जाने के लिए। मैंने रख लिया थोड़े से फूल, और ये जोत है, जोत लगानी है, और ये मेरा जल है जो मैं शिव जी पर चढ़ाऊँगी। तो मेरा सामान रेडी हो चुका है, अब मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए, मंदिर जाती हूँ, उसके बाद आप साथ में मिलती हूँ। तो हेलो गाइज, सॉरी। तो गाइज अभी ना शाम हो चुकी है और मैं लगा रही हूँ अपनी मेहंदी, बिकॉज ना मुझे ना मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को ना मतलब ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ना अगर मेरा मन करता है ना, जैसे कोई फेस्टिवल नहीं है तो अगर मेरा मन करता है ना मेहंदी लगाने का, तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है मेहंदी लगाना, मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना। और फिर उसके बाद बहुत पसंद है मतलब ना मेरे को, और आप में से कई सारी लड़कियों को भी मेहंदी लगाना बहुत पसंद होगा आई एम श्योर, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं ना लगाती रहती हूँ। मैंने लॉकडाउन में भी मेहंदी लगाई है, और मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है। हाँ आई एम नॉट मतलब ना मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, बट यस मैं डिज़ाइन देख देख के इतना तो लगा ही लेती कि अपनी और लाइक मम्मी के लगा देती हूँ, बट मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ ना, मुझे इतना आता और डिज़ाइंस भी नहीं पता। हाँ कुछ कुछ डिज़ाइंस मुझे पता हैं तो मैं वो लगा लेती हूँ, बट मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मन करता है तो मैं लगा लेती हूँ। चलो फिर लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस अभी ना मैंने मेहंदी लगा लिया, ये मेरी मेहंदी का लुक है, ये आगे की है, ये पीछे की है, और अभी एक टिप्स नहीं भरी है बिकॉज मेहंदी ही कीप ही ख़त्म हो गई है, और अभी ना ताई के घर रखी हुई है कीप, एक तो कीप वहाँ से लाऊंगी फिर इसको कंप्लीट करूँगी। वैसे इतनी अच्छी नहीं है आई नो, बट स्टिल जो मेरे को मेहंदी लगाने का मन था वो कंप्लीट हो गया, तो बट स्टिल जो मेरे को मन था ना लगाने का वो तो पूरा हो गया, तो मैंने लगा ली है और ये कुछ ऐसे दिख रही है, और देखते हैं इसका कलर कितना आएगा, आपको दिखाऊंगी सुबह। और अभी हो चुकी है रात, क्योंकि मेरे को अप्रॉक्सीमेटली मुझे लाइक एक से डेढ़ घंटा लग गया था, बिकॉज मैं बहुत स्लो लगाती हूँ, मैं दिख दिख के लगाती हूँ तो लग जाता है टाइम, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को नहीं आती, और वो तो कभी कभार लगाती हूँ, तो बस तो मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक ही हाथ की लगाई, दूसरे हाथ की मैंने लगाई लगाई नहीं, क्योंकि कैसे लगाऊँ, इसी हाथ में लगा सकती मैं तो। एंड अगर मम्मी लगाना चाहे मेरे दूसरे हाथ पे तो लगा सकती है, क्योंकि मम्मी भी लगा देती है, जैसी मैं लगाती हूँ वैसी लगाती है मम्मी भी, मम्मी को भी इतनी अच्छी नहीं आती, वो तो बस लगा देती है, जैसे बाहर नहीं जाने का टाइम मिला है और लगवानी है तो तब चल जाता है। वैसे अभी बैठे हुए हैं, अभी डिनर करेंगे, तो डिनर करेंगे अभी, क्योंकि ना यहाँ पे भंडारा हुआ था, आज जल चढ़ाए तो भंडारा हुआ था हमारे यहाँ पे, तो उधर से मेरी ताई पूरी एंड ये सब लेके आई थी, तो अभी उन्होंने हमें दे दिए, क्योंकि ध्रुव जाता नहीं है, मैं कहीं गई हुई थी काम से तो मैं लेट हो गई थी, तो ताई ने दे दिया हमें, सब्जी दी है और पूरी दी है, और जो भंडारे में पेठी की सब्ज़ी मिलती है ना मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा, तो अभी मम्मी पूछ ही रही थी मुझसे क्या खाएगी, बट मैं कि कुछ नहीं खाऊंगी, तो फिर इसलिए फिर मैंने फिर एकदम से पूरी आ गई, मैं कि मेरा काम तो हो गया, मम्मी ने बोला तेरा काम हो गया,
और बाकी हम पार्टी करेंगे रात में ध्रुव में, जो कि हम हर सैटरडे करते हैं, जो कि हम देखेंगे मूवी अपनी और खाएंगे साथ में अपने नाश्ता स्नैक्स, इट स्नैक्स टाइम। तो बस यही करेंगे, बाकी कल देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाते हैं कल। तो गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं आज बहुत लेट उठी थी, तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 में भी। और आपको सबको पता है कि मैंने कल मेहंदी लगाई थी, तो उसका कलर ये आया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को पता है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज़ आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट स्टिल मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और इसकी टिप्स अभी मैं फिल करूँगी बिकॉज आपको मैंने कल बताया था कि कीप ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने ध्रुव से बोला था कि जब तू दादा का खाना लेके जाएगा नीचे तो मेरे को बता दियो, मैं कीप मंगवाऊँगी। तो ये भी भूल गया, मैं भी भूल गया। जब मुझे बाद में याद आया जब तक शॉप बंद हो चुकी थी कि मैंने तुझे बोला था कीप लाने के लिए, तो ये भी भूल गया था, मैं भी भूल गई थी। तो मैंने अपनी मम्मी ने बोला ताई से पूछ ले, मैं भी उनके पास रखी हूँ, तो मैंने ताई से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं है। फिर मैंने अपनी दूसरी ताई से पूछा, उन्होंने बोला है, तो मैं उनसे कीप लेके आई थी। और जब मैं कीप लेके आई तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब अपनी टिप्स फिल करूँगी तो गीली रहेंगी, सूखेंगी नहीं इतनी जल्दी, तो मैंने सोचा कि कल कर लूँगी आराम से। तो आज मैं टिप्स फिल करूँगी और अभी मैं दादा को चाय दे के आई हूँ। और अब मैं धोऊँगी थोड़े से बर्तन, है बर्तन धोऊँगी। और मैंने खाना नहीं खाया बिकॉज मैं आज बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, जिस टाइम लंच होता है उस टाइम मैं उठी थी और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा था, तो मुझे भूख नहीं थी। तो ध्रुव ने अपना लंच कर लिया है, तो मैं अब धोऊँगी बर्तन और फिर देखते हैं क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, आपको दिखाती रहूँगी। बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप बताना आपको कैसी लग रही है। और ऐसे ना पीछे ना, मतलब जैसे फुल लगती है ना, जैसे आगे लगती है वैसे पीछे लगती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है आजकल। मेरे को ना बहुत शौक है कि ऐसे पीछे ना फिल हो, मतलब पूरा हैंड भरे, मेरे को पता नहीं क्यों। तो इसलिए मेरे को नहीं आती पीछे की, मतलब वो जो चेक बनाते हैं मेरे को नहीं आता वो बनाना, तो मैंने फिर सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया। क्योंकि मैंने एक बार ना बहुत पहले ट्राई करा था लॉकडाउन में, तो इतना अच्छा नहीं बना था वो, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो अच्छा ही नहीं बना था तो मैं क्यों बनाऊँ दोबारा। तो कुछ नहीं, अभी हम बर्तन धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम आगे आगे क्या करते हैं शाम। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी अपना बैलों को खाना, मतलब ना हड्डी या कुछ होता है वो खाने के लिए दे रहे, तभी इसको देखना, अभी दिखाती हूँ। तो गाइस ये बेला बैठी है, मैंने गलत टाइम पे पॉज कर दिया। क्या देखो कैसे खा रही है बेला, बेलू अब ना ये किसी को भी लेने नहीं देगी, ये देखो लेंगे ना उठा के भग गई। एकदम जैसे हमने बेड पे रखी एकदम से लेके और भग गई। ओ स्टे करवाया था, स्टे करवाया था इस। रवीना मेरे पापा आ चुके हैं, ये पापा ले आए हैं सामान। किस चीज़ का सामान है वो आपको कल पता चलेगा कि हमारे घर में कुछ है कल, तो वो आपको कल ही पता चलेगा। चलो मैं बता देती हूँ, कल हमारे घर में रैन, कल ही बताऊँगी, ब्लॉग देखना। और पापा भी आ चुके हैं, तो मैं पापा के लिए लाई हूँ नई चप्पल, तो मैं पापा को दे रही हूँ नई चप्पल, और जो कि आपको दिखा दीजिए। पापा नई चप्पल लाए हैं अपनी, जिसे कहते हैं हवाई चप्पल, तो मैंने पहन लिया, देखो मैं कितने छोटी आ रही है। तो ये मेरे पापा अपने लिए लेके आए हैं। और आप सबको भी पता होगा कि हवाई चप्पल पहले बहुत ज़्यादा पहनते थे, तो पापा की चप्पल टूट गई थी, तो पापा फिर अब
ये वाली चप्पल लेके आया, तो मैंने देखा मैं ये क्या लिया, कहते हैं वही तो है जो दो दो साल तक चलती थी पहले, मैं क्या यही चप्पल आप पहले शादी में पहन के जाते थे, तो पापा ने बोला कि ना ये चप्पल है ना 40 रुपए की आती थी पहले, बस अभी पूछती हूँ पापा कितने की आई चप्पल ये, तो अब ये चप्पल हो गई है 40 से 130 रुपए की, तो ये चप्पल लाए क्योंकि पापा दूसरी वाली चप्पल लाते हैं वो ज़्यादा नहीं चलती है, तो पापा को लॉन्ग टाइम तक चाहिए, तो पापा इसलिए ये वाली चप्पल ले आए हैं। सामान भी आ गया है ये रहा, अब इसके अंदर खोल के देखेंगे क्या क्या है, कल के लिए है ये सारा सामान, और अभी बहुत सारी तैयारी भी करनी है, तो आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या है, और कल का ब्लॉग जो होगा वो अलग रहेगा। मेरी मम्मी को आज एक बहुत नई चीज़ पता चली है, क्या पता चली है आपको? तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। सच में नई चीज़ पता चली? ये है फोटो जो कि है विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की, तो मम्मी ने इसे ये पन्नी में से निकाली, मम्मी कहती है ये कौन है विष्णु जी के साथ, तो पापा ने बोला कि ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी हैं, ये इनकी वाइफ है, मम्मी ने बोला है वाइफ है इनकी, तो मम्मी को आज तक ये चीज़ नहीं पता था कि मम्मी आप क्या सोच रहे थे लक्ष्मी जी कौन है बताओ तो किसकी वाइफ है, ऊपर तो देखो बताओ थे गणेश जी की, मम्मी ये सोचती थी कि लक्ष्मी जी गणेश जी की वाइफ है, क्योंकि दिवालियों पे हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो मम्मी हमेशा उनको साथ में बिठाती थी और यही सोचती थी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, मम्मी के पापा ने बोला, तो मम्मी कहती कि ना आज ही पता चला है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी हस्बैंड वाइफ है, आज लंबे लंबे प्याज के पास्ता, आज बन रहा है पास्ता, हाँ आज बन रहा है पास्ता, क्योंकि मम्मी ने घिया बनाई है मेरे को नहीं पसंद, तो ध्रुव को ध्रुव भी नहीं खाएगा, तो फिर हमने बोला कि ठीक है आप बना लो, बस ध्रुव ने आइडिया दिया कि पास्ता बना लो, जब हम घर का सामान लाए थे तब हम पास्ता ले आए थे, तब पास्ता खाएंगे। नहा के आई हूँ क्योंकि कल है अमावस, तो अमावस के दिन हेड वॉश नहीं करते, और मुझे हेड वॉश करना था कल, तो इसलिए मैं अभी नहा ली, और अब मैं अपना कर रही हूँ डिनर। इस टाइम पे अब बज चुके हैं 12 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो अंदर एसी चल रहा है, तो और अभी मेरे को ना ठंड लग रही थी क्योंकि हेड वॉश करके आई ना, इसलिए अब मैं करूँगी अपना डिनर, फिर मिलते हैं आपसे, अब दिखाती हूँ अभी आपको मेरा पास्ता, और इसे मैं अब खाऊँगी, और उसके बाद खा के फिर मैं सो जाऊंगी, फिर सुबह उठेंगे क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है, और फिर आगे देखते हैं क्या होगा, सुबह आपको सारा दिखाएंगे। चलो अभी करते हैं डिनर गाइस। अब मैंने कर लिया है डिनर, जो कि मैंने पास्ता खाया है और बहुत टेस्टी बना था, तो खा लिया है, अब हम सोते हैं, सुबह उठना भी है, और इस व्लॉग में छोटी मोटी प्रिपरेशंस ही करी है, जो कि हमें सामान लाना था वो लेके आए हैं, बाकी जो प्रिपरेशंस है वो कल सुबह ही होंगी, और सोते हैं अब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, और इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, कैसा लगा बताना, और इसे लाइक शेयर एंड लाइक शेयर।